संसद में सुरक्षा चूक मामले में बड़ी खबर, आपको बता दें आरोपी ललित झा की व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें वो किसी को जानकारी दे रहा है कि ये सब जानकारी, ये सभी वीडियोस सेव रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस चैट की पुष्टि नहीं करता है, पुलिस इस चैट को वेरीफाई कर रही है ये किस किस को भेजी गई और इस चैट में सत्यता आखिर कितनी है, लेकिन ललित झा की ये चैट बताई जा रही है। वो एक जानकार को व्हाट्सएप के जरिए जानकारी दे रहा है और बता रहा है कि वीडियो सेव रखना, चैट सामने आया है, चैट हम आपको दिखाएंगे। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मैं आपको चैट भी साथ साथ पढ़कर सुना दूं, मीडिया कवरेज देखिए इसको और वीडियो सेव रखना आप लोग। ये ललित का चैट है, दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये किसी को जानकारी दे रहा है, किसको जानकारी दे रहा है, अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है, कुछ जानकारी आपको मिल पाई? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये चैट आई है ललित झा की, तो ललित झा इस चैट के जरिए किसी एनजीओ वाले को बता रहा है कि इस वीडियो को सेफ रखना और इस वीडियो के जरिए वो क्या जताना चाहता है। उसके अलावा वो ये भी बता रहा है कि इसको कवरेज दी जाए, यानी जब ये ललित झा वो शख्स है जो अभी फरार है और इसी की तलाश में कई टीमें दबिश दे रही हैं, इसी के पास में सभी आरोपियों के मोबाइल फोन्स भी इसी ललित झा के पास, और ललित झा किसी को चैट के जरिए जानकारी दे रहा है कि इस वीडियो को सेफ रखना, यानी ये वीडियो किसी और तक पहुँचाया जा रहा था, सेव किया जा रहा था। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस चैट की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि स्पेशल सेल सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में जो जो चीजें निकल कर आ रही, चाहे वो चैट है, इस चैट की भी को वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सही चैट नंबर से की गई है कॉल, और उसके अलावा जो शख्स जिस एनजीओ के नाम यहां पर सामने आ रहा है उसके बारे में पता लगाया जा रहा है, क्योंकि चैट के अलावा और भी दूसरी चीजें हैं जो यहां पर निकाली जा सकती है, जैसे CDR है और मोबाइल फोन इस वक्त तलाशना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल फोन से कई सारी चीजें डिलीट हो सकती है, ऐसा पुलिस का अनुमान है, और इसी वजह से पुलिस ये कोशिश करेगी जो जो चीजें इनके सर्किल में आ जाएंगी, जो जो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जो जो जानकारियां जुटाई जाएंगी, वो सारी चीजें जांच में शामिल की जाएंगी, और इसी वजह से इस चैट का यहां पर काफी अहम रोल यहां पर माना जा रहा है, और इसी वजह से इस वायरल चैट के जरिए ये पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस तक पहुंचा जा सके और ललित झा अभी कहां पर है इसके बारे में जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है। मैं लौट रही हूं आपके पास में, कई अहम चीजें इस चैट में लिखी हुई है वो मैं अपने दर्शकों को दिखा देती हूं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। ये वीडियो बनाया गया 12:51 का, ये चैट है, इस पर लिखा गया ललित की ओर से, मीडिया कवरेज देखिए इसको और वीडियो सेफ रखना आप, जय हिंद। 12:52 का ये चैट है, उस पर रिप्लाई आता है जिसको इसने भेजा, ठीक है ललित जी ये कहां पे हुआ था, 3:47 पर उसकी ओर से रिप्लाई किया गया। ये किसको भेजा, सबसे बड़ा सवाल ये है, और क्या सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए भेजा गया, क्योंकि सामने वाला शख्स तो ये भी लिख रहा है कि ये कहां पे हुआ था, क्या इसलिए तो नहीं भेजा गया कि मेरे पास सेफ नहीं रह पाएगा, मैं गिरफ्तार हो सकता हूं, इसीलिए मैं किसी और को भेज देता हूं, बाद में देखा जाएगा जो कुछ होगा, लेकिन अभी ये भेजना जरूरी है। और ये बाहर का है, अगर आप देख पाए तो